हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही स्पेशल इंडिकेटर यानी एलिगेटर इंडिकेटर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बहुत ही स्पेशल इंडिकेटर है और बहुत ही कामयाब इंडिकेटर है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इंडिकेटर का नाम एक क्रोकोडाइल के नेम पर है। एलिगेटर एक ऐसी प्रजाति है क्रोकोडाइल की जो कि अमेरिका और चाइना में पाई जाती है, अमेरिकन एलिगेटर और चाइनीज़ एलिगेटर। आप ये गूगल में सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो गूगल के अंदर कि एलिगेटर जो है एक क्रोकोडाइल है। ये अमेरिकन एलिगेटर का क्लोजअप मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप कहेंगे कि ये शेयर करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये इंडिकेटर इसके फेस यानी माउथ के बेस पे बना है, इसीलिए मैं आपको इसको शो कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये इसका माउथ है और इसी माउथ के बेस पे बनाया गया है, यानी कि इसका जबड़ा, जॉ, इसके टीथ, दांत और इसके लिप्स, इसके बेस पे ये इंडिकेटर को नाम दिया गया है एलिगेटर। कैसे वर्क करता है अब हम ये जानेंगे, जैसे कि आपने ये अभी एलिगेटर को देखा। चलिए आइए जानते हैं कैसे ये चार्ट में वर्क करता है और कैसा दिखाई देता है। देखिए, अभी मैंने ये एलिगेटर इंडिकेटर लाइव चार्ट, गोल्ड के लाइव चार्ट पे लगाया है। ये 1 आवर का चार्ट है और ये तीन लाइनें, ग्रीन, रेड और ब्लू, ये तीन लाइनें ही हैं एलिगेटर्स, जिनमें तीन मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किया गया है, 5, 8 और 13, जो कि फिबोनाची नंबर्स हैं। उन्हीं का ही इस्तेमाल करके फॉर्मूला फंक्शन स्मूथ बनाकर इसको यूज़ किया गया है इस इंडिकेटर के अंदर। अब जानते हैं कि ये तीन लाइनों में कौन सा, जो मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी एलिगेटर की और वीडियो दिखाई थी, कि कौन सा इसमें जॉ है, कौन सा इसमें टीथ है और कौन सा इसके अंदर लिप्स है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, इसमें मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो ग्रीन वाली लाइन है वो लिप्स है, रेड वाली लाइन जो है वो टीथ है एंड ब्लू वाली लाइन जॉ है। और जो ब्लू लाइन है उसका पैरामीटर 13 है, सबसे लंबी, सबसे बड़ी मूविंग एवरेज का जो इस्तेमाल किया गया है इस फॉर्मूले में। और फिर रेड यानी कि 8 यानी कि टीथ बीच में जो होते हैं, और फिर लिप्स जो कि हम कह सकते हैं ग्रीन कलर से है, और इसका जो पैरामीटर है वो 5 लिया गया है। तो ये पिक्चर में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया कि किस तरीके से ये तीन पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया गया इस इंडिकेटर को बनाने में, और एक फार्मूला फंक्शन स्मूथ बनाने में यूज़ किया गया है। वो ज़्यादा जानने के लिए और इन्फॉर्मेशन्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा और हमारे कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से ये इंडिकेटर वर्क करता है। तो सबसे पहले फार्मूला फंक्शंस, ये एलिगेटर है जो कि मैंने लगाया है, और इसमें जॉ 13, टीथ पीरियड 8 और लिप्स पीरियड 5, ये तीन यूज़ किए गए हैं। और तीनों का कलर, जॉ का कलर ब्लू है, टीथ का कलर रेड है और लिप्स का कलर ग्रीन है। तो आप देख सकते हो ये तीनों का इस्तेमाल किया गया है इस इंडिकेटर को बनाने में, और इसी बेस पे ये वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है ये और किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमें ट्रेड डिसीजंस देगा, तो हम बिल्कुल करंट सिचुएशन पे जा रहे हैं। अभी की सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं आपको क्लियर करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ टाइम तक गोल्ड जो था वो रेंज बाउंड था, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ट्रेंड लाइन से स्केच भी किया है कि यहाँ पे ये एरिया रेंज बाउंड है, बाजार मूव नहीं कर रहा था और नैरो होता चला जा रहा था। एक टाइम पर ये नैरो एक ट्राइंगल की शेप जैसा ले रहा था, या आप वेज की शेप कह सकते हो ये ले रहा था, और उसके बाद एकदम से ब्रेकआउट हुआ और जो एरिया है जिसमें हम इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जो एलिगेटर इंडिकेटर है वो बिल्कुल नैरो हो गया था, और उसके बाद एकदम से ओपन हो जाता है और तीनों लाइनें यानी कि जॉ, टीथ और वो खुल जाते हैं। कैसे वर्क कर रहा है ये, अब इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर शो करूँगा जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ध्यान दीजिए इस पिक्चर पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने अभी चार्ट में दिखाया था कि नैरो हो रहा है बाजार, इसकी जो फेस है एलिगेटर यानी क्रोकोडाइल का वो भी बंद है। तो इसका मतलब है बाजार चौपी हो गया है, मूवमेंट नहीं है, एकदम फेस क्लोज
यानी कि बाजार भी क्लोज, उस समय ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, और एकदम से जब ब्रेकआउट होगा तो वो फेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं नेक्स्ट पिक्चर में, ये देखिए फेस ओपन हो गया। फेस ओपन होने का मतलब है माउथ ओपन हो गया, जॉ खुल गए, टीथ्स दिखाई दे रहे हैं और लिप्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि शिकार के लिए रेडी है ये क्रोकोडाइल, ये एलिगेटर्स। मेन टाइम एज अ ट्रेडर आप भी अपने ट्रेड के लिए रेडी हो सकते हैं इन दिस टाइम। तो क्या करना है, कैसे डिसाइड करना है कि अब ट्रेड आ गया, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोबारा इस चार्ट में, यहाँ पे जो मैं बता रहा था अभी कि फेस जो है एलिगेटर का क्लोज है, और ये क्लोज फेस में ट्रेड नहीं होगा, और जैसे ही फेस ओपन होता है, ब्रेकआउट होता है, तो ग्रीन, यानी कि ग्रीन जो जिसका वैल्यू है 5, जो कि हम बोलते हैं लिप्स, पहले क्रॉस करेगा ब्लू वाली लाइन को जिसको हम बोलते हैं जॉ। जॉ से ऊपर ग्रीन आता है, और उसके बाद रेड यानी कि टीथ, टीथ आते हैं, और वो भी जॉ से ऊपर यानी ब्लू वाली लाइन से ऊपर आते हैं। तो वेन एवर द ग्रीन क्रॉस अबव ब्लू लाइन एंड वेन एवर द रेड क्रॉस अबव ब्लू लाइन, जब दोनों क्लोज कर जाती हैं, क्रॉस हो जाती हैं, तब बाय डिसीजंस आना शुरू हो जाते हैं, और ये इंडिकेशन दिया जाता है कि अब बाजार में मूवमेंट्स आ सकती है, आप शिकार कर सकते हो, जैसे कि क्रोकोडाइल शिकार कर रहा है। तो इसी तरीके से जब सेल कर रहे होंगे तो ग्रीन शुड बी गोज बिलो द ब्लू लाइन एंड रेड शुड बी गोज बिलो द ब्लू लाइन, तब आपको ट्रेड सेल का लेना है। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए कि कैसे बना ये इंडिकेटर, कैसे इसमें फॉर्मूला फंक्शन अप्लाई होता है, किस तरीके से इसके बेस पे हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और ख़ास बात क्योंकि ये फिबोनाकी नंबर्स पे बनाया गया है, क्या इनके पैरामीटर्स में छेड़छाड़ करके हम कुछ और इफ़ेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि शायद ये बहुत डिले डिसीजन दे आपको, और इससे पहले भी क्या हम डिसीज़न ले सकते हैं। ये सब के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ सकता है कोर्स, हमारी वेबसाइट financialcorridor.com, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। थैंक यू।